सलामकुम नाजरीन, मेरा नाम है हीरज माद और आज हम आए हैं दोबारा से एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है फिजा में बंदिश। जी हाँ, आप लोगों ने पहली हमारा एक वीडियो देखी होगी, हमने एक बंदिश के ऊपर वीडियो की थी, दूसरी हमने पामिस्ट्री के ऊपर की थी, तीसरी वीडियो जो है वो है फिजा में बंदिश। अब फिजा में बंदिश होती क्या है, किस तरह लगती है, तरीकेकार क्या होता है और बंदिश एक फिजा में बंदिश है तो है लेकिन बंदिश की ओवरऑल टोटल कितनी किस्म की टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आज हम अपने ख़ास मेहमान दाऊद जी दाऊद के साथ डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि बंदिश फिजा में किस तरह लगती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। हमने पहले एक टॉपिक किया था बंदिश के ऊपर, तो आपने बताया था कि और भी मुख्तलिफ किस्म की उसमें टाइप्स होती हैं जिसमें फिजा में बंदिश लग जाना, किसी के जिस्म के ऊपर बंदिश लग जाना। सर, बंदिश की टोटल कितनी टाइप्स हैं? देखिए, बंदिश के ऊपर जब हमने वीडियो की थी तो बंदिश का मतलब तो सबसे पहले है रोकना, रुकावट डालना। ठीक। अब रुकावट जो है दुनिया की हर चीज पे डाली जा सकती है। ठीक हो गया। अगर आपकी जिस्म है, जिस्म पे बंदिश लगती है, उसकी अलामत भी है। अगर आपका जो है तरक्की है उसके ऊपर भी रुकावट लगती है, उसकी भी अलामत है। अगर आपकी शोहरत है उसकी भी बंदिश लगती है और उसकी भी अलामत है। अच्छा, जिस जगह आप रह रहे हैं उस जगह पे भी बंदिश लगती है और उसकी भी अलामत है। बिल्कुल। और जिस दरवाजे से आप एंटर हो रहे हैं वहां भी बंदिश लगती है। बंदिश की बेशबहा इकसाम है, मगर जो मेजर है वो जगह पे बंदिश, दीवार पे बंदिश, फिजा में बंदिश, जिस्म पे बंदिश, रूहानियत, काबिलियत, पैसा, इन तमाम चीजों पे बंदिश लगती है। मगर यहाँ पे किसी रूहानी अमल का जो है उसका इस चीज की तशखीस करना बड़ा अहम गर्दाना जाता है कि जो बंदा आपका इलाज कर रहा है, अगर वो आपके घर का इलाज कर रहा है और घर में तावीज़ात के जरिए पानी का छिड़काव करके या कलाम के जरिए उस असर को खत्म कर रहा है, लेकिन उसको अंदाजा ही नहीं, रूहानी उसकी निगाह ही नहीं है, रूहानी नजर ही नहीं है कि वो चेक करे कि फिजा में बंदिश लगी है, उसी घर की फिजा में बंदिश लगा दी जाती है। अब जो बंदिश लगती है फिजा में उसे बहुत नुकसान होते हैं। सबसे बड़ा ये कि जब फिजा में बंदिश लगती है, देखिये दुआएं तो अल्लाह ही कबूल करते हैं और इन्नल्लाह अला कुल्ली शाइन कदीर, मगर देखा यह गया है कि उस घर वाले जो है जितनी भी दुआएं कर रहे होते हैं, जितनी भी पढ़ाइयां कर रहे होते हैं, उनकी पढ़ाइयां कारामत नहीं होती। यानी कि आपने घर का तो इलाज करवा लिया और फर्श का भी इलाज करवा लिया, दीवारों के ऊपर जो असर था, छतों के ऊपर असर था, उसका भी करवा लिया, मगर आपने फिजा को देखा ही नहीं कि फिजा में बंदिश लगी हुई है। फिजा में जो आमलीन लोग हैं या जादूगर लोग, यहाँ पे जादूगर क्योंकि जो नुकसान करने वाले हैं उनको जादूगर ही कहेंगे, क्योंकि वो लोग जो है फिजा के ऊपर बंदिश लगा देते हैं। कैसे? वो अपने कलाम के जरिए वो तस्वर ही फिजा का करते हैं, उस घर की फिजा का, क्योंकि आमली लोग जो है उनको अंदाजा नहीं होता कि फिजा में भी बंदिश लगती है। फिजा घर की जो ऊपर वाली छत का जो एरिया, जो जो एरिया आपकी छत से ऊपर तक का एरिया, चाहे वो आसमान तक जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बंदिश फिजा में लगा दी, मतलब उन्होंने रोक दिया, पढ़ के क्या रोक दिया, खैर बरकत और आपकी जो कलाम जो अल्लाह ताला कबूल करते हैं, उस घर में नहुसत के असरात रहते हैं, खैर बरकत उतरती ही नहीं है, क्योंकि खैर बरकत के जो दरवाजे हैं, एक तो कमरों के दरवाजे, घर के दरवाजे, और ऊपर से रहमत अल्लाह ताला की नाजल होती है और वो जादू ज्यादा घर हुआ होता है, असेब ज्यादा हुआ होता है। अच्छा। तो उसका इलाज लोग करते ही नहीं है, हालांकि इसका इलाज बहुत जरूरी है, करना चाहिए, और जो लोग इसका इलाज करते हैं उनको बड़ा फायदा होता है। सर, जो आपके मेहमान नहीं आ रहे घर पे, तो ये भी बंदिश की ही एक अलामत है, सिम्टम है। घर में बेबरकति है, मेहमान नहीं आ रहे, खैर बरकत नहीं है, ठीक, तो बंदिश की वजह से सारा कुछ। फिजा में बंदिश लग गई है तो आप जो भी कलाम पढ़ रहे हैं असर ही नहीं कर रहा, कलामों का असर ही नहीं है। कहते हैं ना कि जो दुआ होती है वो पहले आसमान तक जाती है, फिर दूसरे तक जाती है, तीसरे तक जाती है, तो आसमान की तरफ जब वो जो घर का एरिया है वो जादू ज्यादा हुआ होता है, और जब कोई दुआ करेगा तो दुआ ऊपर तक जा ही नहीं सकेगी,
तो यही तो होता है ना कि बंदे बाहर से मस्जिद में जाके या दूसरी जगह जाके भी दुआएं करके आके रहता घर में ही है आके, सही। तो जब घर में रहता है तो असर खत्म ही नहीं होता। तो सर ये जादूगर लोग जो हैं ये फिजा में बंदिश लगाते कैसे, इनका तरीकेकार क्या होता है? देखिए यहाँ पे तसव्वुर किया जाता है उस घर का, ठीक, उस घर का तसव्वुर किया जाता है कि अगर ये बंदा अपने घर का इलाज करवाता भी है मगर घर के ऊपर का जो हिस्सा है रूहानी हिस्सा फिजा का हिस्सा वहां पे बंदिश लगी ही रहे। अच्छा, तो बाद ऐसे जो लोग मरीज लोग आते हैं वो अपने घर के कई दफा इलाज करवाते हैं मगर असर खत्म ही नहीं होता। सही। अब जो रूहानी निगाह रखेगा या जिसको समझ लग जाएगी कलाम पढ़ने के बाद कि इसकी फिजा में बंदिश लगी है वो वहां पे अगरबत्तियों का इस्तेमाल करेगा क्योंकि फिजा की बंदिश जो है वो धुएं से दूर होती है। तो हम जो है घर में जो है वैसे तो कलाम पढ़ेंगे, हमें तो नहीं पता कि धुआं कैसे पैदा किया जाए। अब जो फिजा की बंदिश है दो चीजों से धुआं पैदा होता है, एक अगरबत्ती और खुशबू से और दूसरा चिराग, चिराग की जो वो जो निकलती है धुआं निकलता है वो भी उस बंदिश को काटता है। तो वहां पे अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, 11 अगरबत्तियां ली जाती हैं उसके ऊपर फिर उस बंदिश को से मुतलका कलाम पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पे वहां पे सूरह मुजम्मल पढ़ी जा सकती है 11 दफा सूरह मुजम्मल, अगर उसकी काट में सूरह मुजम्मल आए तो चहल काफ पढ़ी जाती है, अगर उसकी काट में चहल काफ आए तो बिल्कुल, और आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है, यहाँ पे सूरह बकरा की तलावत भी होती है, सूरह यासीन भी पढ़ी जाती है। अगर अब वो पढ़ी कैसे जाती है, वो अगरबत्तियां ली जाती है, उन अगरबत्तियों के ऊपर फूंक मारी जाती है पढ़ने के बाद और उन अगरबत्तियों को घर में जला दिया जाता है। जब वो धुआं उठता है तो ये ऐसा मैकेनिज्म है कि वो धुआं सीधा उस बंदिश को पकड़ेगा काटेगा और जैसे ही वो उस बंदिश तक जाएगा जो फिजा में लगी होती है, नियों की नियत भी आपकी फिजा की बंदिश को दूरने की है, ना सिर्फ आपके घर की फिजा है इन्वायरमेंट है बल्कि आपकी छत के ऊपर और छत से ऊपर की जो इन्वायरमेंट है उसको काटेगा वो धुआं और उसने उसी जगह को पकड़ा है जहाँ पे बंदिश लगी होगी क्योंकि आपकी नीयत उस बंदिश को काटने की है। तो फिर फिजा की बंदिश धुएं से अगरबत्ती के इस्तेमाल से काटी जाती है, वहां पे पानी का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, ना पानी का छिड़काव कर सकते हैं क्योंकि घर में अगर बंदिश लगी है तो वहां तो आप पानी का छिड़काव कर लोगे। सही। चौगाट पे बंदिश लगी है और घर के फर्श पे लगी है वहां तक तो और तरीकाकार होंगे, मगर फिजा की बंदिश दूर करने के लिए आपको अगरबत्ती या चिराका या खुशबूहार कई लुबान और कई इस तरह की और भी चीजें हैं जिनको इस्तेमाल करके हम उस बंदिश को दूर करें। सर ये आपने पानी के छिड़काव का जिक्र किया तो अगर किसी के घर के फर्श के ऊपर बंदिश लगी है तो वहां पे पानी का छिड़काव आ जाएगा। अगरबत्तियों का आपने जिक्र किया कि अगर फिजा में बंदिश है तो अगरबत्तियां जो है वो हमें कोई अल्लाह ताला का कलाम पढ़ के जलानी पड़ेंगी, तो अगरबत्तियां हमें कहीं किसी एक खास जगह पे रखनी पड़ेंगी या छत पे जाके रखनी पड़ेंगी या उसकी कोई खास प्लेसमेंट होगी अगरबत्तियों? देखिए वो घर का ही हिस्सा होगा, कोई भी हिस्सा होगा चाहे आप घर के कमरे में क्यों ना अगरबत्तियां जला दो वो खुद ही ऊपर पहुंच जाएगा क्योंकि खुशबू तो पहुंच जाती है। ठीक। और इसी तरह बाज जो फिजा की बंदिश दूर करने के लिए तवीजात का भी इस्तेमाल होता है। ठीक। तवीज बनाया जाता है, अब तवीज का भी धुआं उठता है, बिल्कुल तवीज बना के उसके ऊपर रुई की बत्ती लपेटी जाती है और उसे चिराग जलाया जाता है। सही। तो वो तवीज जो है क्योंकि तवीजात के जरिए जो फिजा में बंदिश लगती है तो वो तवीजात के इस्तेमाल से उसको खत्म किया जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। फिजा में जो बंदिश है वो किसी इंसान के ऊपर भी लगती है या सिर्फ वो घर वाली साइड को ही टारगेट करते हैं? देखे जब इंसान के ऊपर बंदिश लगती है तो उसके सारी चीजों पे लगती है, फिजा में, जिस्म पे, सोचों पे। ठीक। सोचों पे भी बंदिश लग जाए। नाजरीन बेशक ये एक बड़ा ही खतरनाक किस्म का ये काम है बंदिश वाला कि अक्सर इंसान को समझ नहीं आ रही होती कि घर में एकदम से बेबरकती पैदा हो गई है, बैठे बैठाए कोई झगड़ा हो गया, कोई लड़ाई हो गई है, छोटी सी बात का इतना बड़ा पतंगड़ जो है वो बन गया घर में और बैठे बिठाए जो है वो गालम गलोच दो भाइयों के बीच में फैमिली के बीच में जो है वो स्टार्ट हो गया। तो ये सिम्टम्स हैं कि आपके ऊपर किसी ना किसी दुश्मन ने बंदिश लगा दी है और कोई जादू करके कोई ना कोई एक सॉलिड किस्म का जो अटैक है आप लोगों के ऊपर किया है।